अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ, जिसका मौजू है मुंह बंद रखना हिकमत है। कहते हैं किसी जगह पर एक बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता था और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनाचा इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। इनमें से एक आलिम, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलिम को इस तख्ते पर ऐन पत्थर गिरने के मकाम पर लिटाया गया और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलिम कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलिम के पुख्ता यकीन की वजह से इसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। इसको भी तख्तादार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुँच कर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफे की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लिटा कर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलिम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफे की बात सुनकर सबने रस्से को बगौर देखा तो वहाँ वाकई गांठ थी। इन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफे का जहन सर कुचल कर रख दिया। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है। उम्मीद करती हूँ ये माना फ्रोज सबक आमोज सच्चा वाकया आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाकये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।